नमस्कार दोस्तों मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माय पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में कल किसी वजह से इंटरनेट नहीं आ रहा था और जिसकी वजह से मैं आपको करंट अफेयर्स नहीं दे पाया लेकिन कोई बात नहीं आज हम लोग करेंगे अट्ठाईस और उनतीस जुलाई दोनों के करेंट अफेयर थोड़ा सा आपसे धैर्य की अपेक्षा रहेगी थोड़ा सा आपसे पेशेंस की अपेक्षा रहेगी क्योंकि दो दिन की पढ़ाई एक दिन में करना थोड़ा सा बर्डन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दुबई में रहने वाली एक भारतवंशी लेखिका है जिन्हें 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किया गया है या आप ऐसा कहें कि बुकर पुरस्कार की रेस में शामिल हो गई है एक भारतवंशी लेखिका उनका नाम क्या है अरुंधति भट्टाचार्य अपनी दो मेघना पांडे या सरला ठकराल तो इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज भी आज की यही है कि अगर बुकर पुराइ जीत जाते हैं तो यकीन मानी आने वाले सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन बने रहेगा तो इसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं यह है अपनी अपनी दोषी दोषी एक युवा लेखिका हैं जो दुबई में रहती हैं अमेरिका में इनका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क में पली बड़ी और दुबई में रहने वाली भारत वंश की लेखिका अपनी दोषी समेत तेरह लेखकों के नाम 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किए गए हैं बुकर पुरस्कार की बात की जाए तो बुकर पुरस्कार ब्रिटेन सरकार या आयरलैंड सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो इंग्लिश भाषा में लिखे गए नॉवेल को दिया जाता है इस सूची में एक बार और है एक दो बार की पुरस्कार जीत चुकी प्रसिद्ध लेखिका हिलेरी मेंटल का नाम भी इस बार शामिल है मिंटल को द मिरर एंड द लाइट के लिए और दोषी को उनके उपन्यास बर्न शुगर के लिए इस सूची में जगह दी है पिछले साल भारत में उनकी किताब गर्ल इन व्हाइट कॉटन का विमोचन हुआ था लेकिन ब्रिटेन में पिछले बृहस्पतिवार को वन सुगर के तौर पर इसे जारी किया गया यह सेम उपन्यास है भारत में इसे लॉन्च किया गया था गर्ल इन कॉटन ने के नाम से और सुगर के नाम से इसे ब्रिटेन में जारी किया गया इंग्लिश में ही ये उपन्यास लिखा हुआ है इस उपन्यास में एक माँ और बेटी के जो रिश्ते हैं उसकी जटिलताओं को बड़े प्यार से उकेरा गया है उसमें जो समस्याएं आती है उनको निकाला गया है वैसे 2019 का बुकर पुरस्कार की बात की जाए तो बहुत दिनों बाद दो लेखिकाओं को एक साथ संयुक्त रूप से मार्गेट एडवुड और बर्नाडिन एवरेस्टो को दिया गया था बर्नाडिन एवरेस्टो पहली ऐसी अश्वेत महिला है जिनको प्राइज प्राप्त हुआ था ऐसा नहीं है कि पहली भारतीय लेखा होंगी जिनको यह पुरस्कार प्राप्त होने वाला है अगर अग्नि तोशी को यह पुरस्कार प्राप्त हो जाता है इससे पहले भी सलमान रसदी अरुंधति राय किरण देसाई और अरविंद अडिक को यह पुरस्कार मिल चुका है जबकि 2019 के पुरस्कार की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये है बर्नाडिन एवरेस्टो ये है आपकी सबसे बुजुर्ग महिला लेख का मार्गेट एडवुड ये अभी तक बुकर प्राइज करने प्राइज बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली अब तक की सबसे बुजुर्ग महिला है मार्गरेट एडवर्ड को यह मिला था द टेस्टामेंट के लिए जबकि आपकी बर्नाडीन नेवरिस्टो को यह पुरस्कार मिला था गर्ल वुमेन एंड अदर के लिए बाकी के जो भारतीय लेखकर रहे जैसे पैसे वी एस को सबसे पहले बुकर प्राइज मिला था इन ए फ्री स्टेट 1971 में अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1981 में सलमान रस दी चिल्ड्रन नाइट्रिल्ड्रेन के लिए 1997 में The Inheritance of Lost, में किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 और अरविंद अडिग यानी कि 2008 हजार आठ में यह पुरस्कार मिला था द वाइट टाइगर के लिए तो ये रहा अपनी दोषी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके बुकर प्राइस के बारे में थोड़ी सी जानकारी और 2019 के बुकर प्राइस के बारे में थोड़ी सी जानकारी अब चलते हैं अगली जानकारी की ओर दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में एक रोजगार बाजार नाम से पोर्टल बनाया है क्योंकि कोविड 19 के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या थी वो प्रवासी मजदूरों के जीवन की रक्षा को लेकर थी लेकिन अब सभी जगह से जब प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों में लौट चुके हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं रोजगार तलाशने की भी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी निकल के आई है सरकारों के लिए तो दिल्ली सरकार ने इसी पर तरफ कदम बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने नौकरी की तलाश करने वालों को के लिए और नौकरी देने वालों के लिए एक रोजगार बाजार नाम का पोर्टल शुरू किया है जहां जिनको नौकरी चाहिए और जिनको लेबर चाहिए या जिनको मैन पावर चाहिए वो इस पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं इसके तहत नियोक्ताओं को वेबसाइट पर जाकर अपनी आवश्यकताओं को अपडेट करना होगा और इसी तरह नौकरी की तलाश करने वाले व्यक्ति को भी पोर्टल पर जाकर अपनी योग्यता अनुभव और आवश्यकता को अपडेट करना होगा रोजगार बाजार पोर्टल दिल्ली में लॉकडाउन से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए दिल्ली सरकार का एक प्रयास है मौजूदा परिस्थिति में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें जो नौकरी ढूंढने में लगे हैं और वहीं दूसरी ओर व्यापारी पैसे व ठेकेदार भी हैं जो अपने काम के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं यह पोर्टल इन दोनों के बीच एक सेतु का काम करेगा और इनके बीच के अंतर को भी कम कर देगा ऐसी एक पहल सोनू सूद द्वारा भी नजर आई थी जब उन्होंने एक प्रवासी रोजगार ऐप अभी लॉन्च किया था कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया है और दिल्ली सरकार की एक योजना भी हमें और देखने को मिली थी मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना इसके तहत उन्होंने कहा था कि आप रजिस्ट्रेशन करा लो और जैसे ऑनलाइन डिलीवरी होती है वैसे राशन जो होगा वो आपके घर घर पहुंचाया जाएगा तो दिल्ली सरकार की दो योजनाओं के बारे में हमने यहां पर बात की एक मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना जो अभी लॉन्च की गई थी इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जो राशन की होगा वो होम डिलीवरी आपको घर दिल्ली में मिलने लगेगी और एक बात हमने बात की रोजगार बाजार की जबकि सोनू सूद ज्वाला सोनू सूद द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया था वो था प्रवासी रोजगार ऐप अगली जानकारी तब चलते हैं एक पुस्तक लिखी गई और ये पुस्तक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखी है सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखी है ये पहले ऐसे नौकरशाह हैं जिन्हें सीधे नौकरशाही से एक मंत्री पद का दर्जा मिला था विदेश मंत्री हैं वर्तमान समय में इनकी पुस्तक का नाम है द इंडिया वे Strategies फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड इस पुस्तक में इन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला है और उन तीन गलतियों के बारे में बात की है जिनकी वजह से भारत आज अपने समकक्ष देशों से थोड़ा सा टाइम लग गया उसको उस जगह तक पहुंचने में तो विदेश मंत्री के हिसाब से ये तीन गलतियां थी पहली बंटवारा पार्टीशन इन 1947, फिर आर्थिक सुधार में देरी यानी कि हमने जो इकोनॉमिक रेजोल्यूशन पास किए उसमें काफी देर कर दी और परमाणु विकल्प संबंधी लंबी कवायद रही इसकी वजह से हम विदेश नीति के जो ये तीन हमारे बड़े बोझ थे जिसकी वजह से भारत का जो पोजीशन होना चाहिए था आज आज वहां पर नहीं पहुंच पाए पूर्व राजनयिक एवं विदेश मंत्री ने यह टिप्पणी अपनी नई पुस्तक द इंडियन द इंडिया वे स्ट्रेटेज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड में की है इसमें उन्होंने तीन बातों का जिक्र किया वन इन नाइनटीन पार्टीशन जिसकी वजह से हमारा जो राजनीतिक नुकसान तो हुआ ही साथ साथ हम डेमोग्राफिकली यानी कि हम जो आ, हमारा वो स्थैतिक नुकसान था वो भी हुआ हम एक बड़े देश के रूप में भारत और पाकिस्तान में बट गए दो अर्थव्यवस्थाएं हो गई इससे भी हम काफी पीछे चले गए और इसका फायदा चीन को हुआ जिस टाइम हम, हम भारत पाकिस्तान के बंटवारे में लगे हुए थे चीन अपने आप को सुदृढ़ करने में लगा हुआ था और इसकी वजह से अन एडवांटेज गया ये एक कॉन्सिक्वेंसेज आया जिसका कोई इरादा नहीं था वो चाइना जो हो गया वो मोर स्ट्रेटजिक स्पेस मिला उसे एशिया में और वो तेजी से आगे निकल के आया दूसरा डिले हमने कर दिया इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने में यानी कि पंचायती राज व्यवस्था और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो राजनीतिक रूप में भी थी और फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन लाने में हमने बहुत सारी देर कर दी जिसकी वजह से हमें दिक्कत हुई और इस टाइम जब हम अपने आप को धीरे धीरे फाइनेंशियल इंक्लूजन में ला रहे थे वित्तीय समावेशन कर रहे थे आर्थिक रिफॉर्म कर रहे थे फिर टाइम मिला चाइना को और आगे जाने का और इसकी वजह से चाइना हमसे पंद्रह साल के गैप के अंतर पर चला गया और थर्ड था जिसके बारे में जयशंकर जी बताते हैं कि प्रो लॉन्ग एक्सरसाइज ऑफ न्यूक्लियर ऑप्शन हमने न्यूक्लियर ऑप्शन के बारे में जो उसकी उपयोगिता है न्यूक्लियर ऑप्शन की यानी कि परमाणु की जो उपयोगिता है कहीं ना कहीं हमने उसको समझने में देरी की कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आज हम परमाणु द्वारा बिजली बना सकते हैं और हम आगे जा सकते हैं उसका काफी सस्ती बिजली ले सकते हैं तो ये तीन इन्फ्लुएंस के बारे में उन्होंने बात की है पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनस वर्ल्ड अब अगली जानकारी की तरफ चलते हैं भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है बांग्लादेश के बारे में अभी अभी काफी सारी न्यूज है तो भारत सरकार का एक बड़ा बड़ा फैसला नजर आ रहा है कि बांग्लादेश को दस ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं ब्रॉडगेट डीजल इंजन से वहां का जो रेलवे है उसमें जाहिर सी बात है रिफॉर्म आएगा ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने वाले इंजन है जिनसे पैसेंजर ट्रेन भी चलाई जा सकती है और मालगाड़ी भी चलाई जा सकती है तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर और रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी ने सत्ताईस जुलाई दो को बांग्लादेश को दस ब्रॉडगेट डीजल इंजन को सौंपने को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई तो दस ब्रॉडगेट डीजल इंजन हमने अभी किसको सौंपे हैं बांग्लादेश को सौंपे हैं पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पूर्वी रेलवे के गेडे स्टेशन से सभी इंजनों की रवानगी हुई और इन भारतीय रेल इंजनों को बांग्लादेश के दरसाना रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया गया इन इंजनों इन इन की खास बात यह है कि तैतीस सौ हाफ पावर वाले डब्ल्यू डी एम थ्री डी लोको इंजन की उम्र अट्ठाईस साल है या इससे अधिक है उन्हें एक सौ बीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है ये माल ढुलाई के साथ साथ यात्री गाड़ियों के लिए भी उपयुक्त है और इनमें माइक्रो प्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणाली लगी हुई है इसके अलावा रेलवे से एक और न्यूज है रेलवे जो है यानी हमारा भारतीय रेलवे है लगातार कीर्तिमान स्थापित करने में लगा हुआ है दो जुलाई को हंड्रेड परसेंट पंक्चुअल ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया गया फिर अभी थोड़ी देर थोड़े दिन पहले ही शेष नाग नाम से दुनिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी चलाई गई मालगाड़ी चलाई गई यानी कि पार्सल ट्रेन चलाई गई जो लगभग दो दशमलव आठ किलोमीटर रेलवे लंबी थी और यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा चलाई गई इसी क्रम में आगे भारतीय रेलवे हरियाणा के सोहना के पास दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है डबल स्टैक कंटेनर वो होते हैं जिसमें डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा रखा जा सकता है और इसमें कम से कम सुरंग को इतना ऊंचा होना पड़ेगा कि उसके पेंटोग्राफ जिसके जरिए रेलवे इंजन बिजली प्राप्त करता है उसे निकल सके तो ये दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सुरंग होगी टनल होगी जो हरियाणा में बनाई जा रही है एक डबल स्टैक कंटेनर माल ट्रेन इस सुरंग के भीतर लगभग 100 किलोमीटर से अधिक गति से चलने में सक्षम हो जाएगी पहले चरण में पूर्वी गलियारे और पश्चिमी गलियारे ये दो गलियारे बनाए जा रहे हैं और दोनों गलियारों में 500 किलोमीटर का ट्रैक पहले ही बिछाया जा चुका है अब बस सुरंग पे इसे जोड़ने का काम बाकी है टनल जो है ये हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट को आपस में कनेक्ट करेगी और ये अरावली रेंज में काट करके बनाई जा रही है डी सेफ टनल होगी मतलब कि इस टनल का सेफ कुछ इस तरीके से होगा जिसमें से ट्रेन बीच में गुजरेगी और इसका जो एरिया है वो 150 स्क्वायर मीटर है जो कि अपने आप में काफी बड़ा एरिया है और इससे डबल स्टैक गुजर सकते हैं अभी हाल ही में इंडियन रेलवे जो था ये पहला रेलवे नेटवर्क बना जो डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को हाई रीच पेंटोग्राफ इन हाई ओची सेक्शन पे लगा रहा है ओएची का मतलब होता है ओवर इक्विपमेंट रेलवे के ऊपर या रेलवे इंजन के ऊपर आपको एक ऐसा दिखाई देता होगा एरियल टाइप का एरियल टाइप का लगा होता है इसे पेंटोग्राफ बोला जाता है और इसके जरिए वायर टच रहता है जिसके जरिए रेलवे का जो इंजन है जो रेल का इंजन है वो आपका बिजली प्राप्त करता है तो भारत सरकार या भारतीय रेलवे जो है वो पहली रेलवे है जिसने डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाई और एक डबल स्टैक कंटेनर टनल टनल बनने जा रही है सुरंग बनने जा रही है आपके हरियाणा में ये मेवात और गुरुग्राम को आपस में कनेक्ट करेगी अगली जानकारी भी एक पुस्तक से है ये पुस्तक वाकई हंगामा मचाने वाली है क्योंकि इस पुस्तक में बहुत ज्यादा सरकार की आलोचना की गई है इस पुस्तक का नाम है क्वेश्चनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया मतलब कि वापस से एक वित्तीय स्थायित्व तो प्राप्त करने के लिए भारत में जो लड़ाई है उसके बारे में यह पुस्तक लिखी गई है और यह लिखी है भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पूर्व डिप्टी गवर्नर जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं विरल वी आचार्य द्वारा विरलवी आचार्य ने पिछले साल 2019 में इस्तीफा दे दिया था जिनकी जगह माइकल देवव्रत पात्रा को डिप्टी गवर्नर बनाया गया था वर्तमान समय में आरबीआई के जो गवर्नर हैं, वो हैं शक्तिकांत दास अभी हाल ही में शक्तिकांत दास को एशिया पैसिफिक का बेस्ट बैंकर ऑफ द ईयर अवॉर्ड मिला था आज आपको मुझे ये बताना है कि आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास वो आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं यानी कि उनका गवर्नर के क्रम में यानी जो भी आपके आरबीआई के अभी तक जितने भी गवर्नर हुए हैं उनमें उस क्रम में वो कौन से नंबर पर आए हैं रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपनी नई किताब में मोदी सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रति रुख का खुलासा किया है आचार्य की इस किताब में उनके भाषण उनके रिसर्च और मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में उनकी टिप्पणियां शामिल हैं विरल भी आचार्य जो अपने आप को गरीबों का रघुराम राजन कह के संबोधित करते थे वो मौद्रिक नीति के समर्थक रहे और उन्होंने पूरी तरीके से इस बात का खुलकर विरोध किया कि आरबीआई के ऊपर सरकार का स्वामित्व तो रहे या आरबीआई सरकार के आदेश पर काम करे वो हमेशा आरबीआई के स्वतंत्रता के बारे में ही बोलते रहे जिसकी वजह से उनके और सरकार के बीच में मतभेद हो गए थे और फिर सरकार को उनके खिलाफ दिशा निर्देश जारी करने पड़े थे जिसके बाद विरल विचार आचार्य ने इस्तीफा दे दिया था पुस्तक भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनकी खोज को चित्रित करती है जिस तरीके से भारत आज स्थिर हुआ है इकोनॉमिकली उसको स्थिर करने के प्रयास में बारे में उनके बारे में इन्होंने कई सारे सुझाव दिए हैं पुस्तक में और निरंतर सुधार के लिए एक ठोस योजना प्रस्तुत करती है आचार्य ने आगे लिखा कि केंद्र सरकार चाहती थी कि रिजर्व बैंक लोन न चुका पाने वालों के प्रति नरम रुख अख्तियार करे इतना ही नहीं सरकार चाहती थी कि बैंक की तरफ से कर्ज देने के नियमों में ढील दी जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर्ज दिया जाए पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड रिटर्न बाई बिर आचार्य वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो गवर्नर के बारे में तो आपको सभी को पता है, दास। जब किया। श्री जैन काफी समय से है 22 जे 2018 से अभी तक और श्री बीपी कानून को जो कि तीन चार दो से अभी भी है जबकि एन विश्वनाथन ने अभी हाल ही में ये रिटायरमेंट लिया विरल बी आचार्य ने इस्तीफा दे दिया था और इस तरीके से यहां पर उन्होंने 23 सात 2019 को अपना कार्यकाल छोड़ दिया था अगली बारी अगली जानकारी की तरफ चलते हैं अगली जानकारी जो है एक ऐप से संबंधित है हम सभी के पास कोई भारतीय ऐप नहीं है जिसके जरिए हम अपने भारत में जितने भी राज्य हैं या अपने शहर का मौसम का हाल जान सकें तो हाल फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम नाम का मोबाइल ऐप जॉ जारी किया है इस ऐप को इंटरनेशनल लगभग 200 शहरों के तापमान दिखाएगा हवा की गति और दिशा के साथ साथ मौजूदा मौसम की जानकारी प्रदान करेगा इस ऐप की जानकारी दिन में आठ बार अपडेट की जाएगी और साथ ही यह अगले सात दिनों के मौसम के पूर्वानुमान और भारत के लगभग चार शहरों के पिछले चौबीस घंटों की जानकारी भी प्रदान करेगा ऐप सभी मौसम में लोगों को चेतावनी के देने के लिए पांच दिनों के लिए दिन में दो बार लाल पीले और नारंगी रंग के कोड के माध्यम से अलर्ट भी जारी करेगी तो मौसम नाम का ऐप जारी किया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा अगली जानकारी में अब हम बात करेंगे उनतीस जुलाई के आपके न्यूज फटाफट की वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे अभी हाल ही में 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया हेपेटाइटिस जो है ये लीवर से संबंधित बीमारी है और लंबे समय तक होने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रत्येक साल हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन को हेपेटाइटिस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है जो रोग की स्थिति आत्मसीमित या कोरोनिक हेपेटाइटिस तक बढ़ सकती है जिसमें लीवर में निशान या लीवर कैंसर भी हो सकता है इस वर्ष की थीम रही हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया 28 जुलाई को और इस वर्ष की थीम रही हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर क्यों मनाया जाता है क्योंकि यह डॉक्टर बारूख ब्लमबर्ग का जन्मदिन है और इन्होंने ही हेपेटाइटिस के टीवी वायरस की खोज की थी और वायरस के लिए नैदानिक परीक्षण और टीका भी विकसित किया था तो डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन होता है अट्ठाइस जुलाई को अगली जानकारी है वाइस एडमिरल एम ए हम्पी होली एवीएस एनएम ने भारतीय नौसेना एकेडमी के कमांडेंट का पद पर ग्रहण कर लिया है उन्होंने वाइस एडमिरल के पी त्रिपाठी की जगह ली है जिन्हें 12 जून 2019 से 27 जुलाई 2020 तक भारतीय सेना के नौसेना अकेदमी के कमांडेंट के रूप में कार्य किया है अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारतीय नौसेना ने अब तक सेना का सबसे बड़ा सोलर पैनल स्थापित किया है केरल के इझीमाला में कहां पे इझी माला में तीन मेगावाट का एक सोलर संयंत्र लगवाया गया है भारतीय नौसेना अकेडमी में अगली जानकारी ट्यूनिशिया के आंतरिक मंत्री हिचेम मचीची को ट्यूनिशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है ट्यूनिशिया हिचेम मचीची नए प्रधानमंत्री उनकी नियुक्ति एलिस फक फक के जगह पर स्थान पर की गई है जिन्होंने हाल ही में मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया था मौजूदा सरकार में आंतरिक मंत्री होने के अलावा मचीची राष्ट्रपति सैयद के कानूनी मामलों के काउंसलर भी रहे हैं और इसके पहले वह परिवहन मंत्रालय के कर्मचारी भी रहे तो ट्यूनीशिया में नए प्रधानमंत्री बने हैं हिचे मचीची ट्यूनेशिया दक्षिण अफ्रीका का एक अरब कंट्री है यानी कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये अरबी भाषा का ज्यादा प्रयोग करते हैं ट्यूनीशिया ये रहेगा नीचे आपका लीबिया मिलता है इधर अल्जीरिया मिलता है इधर मोरक्को और ऊपर आपका भूमध्य सागर है इसे भूमद्ध सागरी यानी कि मेडिटेरियन कंट्री भी कहेंगे आप ट्यूनिशिया का नाम वहां की भाषा में लोकल लैंग्वेज में अल जमूरिया अतुनिशिया अत या तुनिस है या भूमत सागर के किनारे स्थित है राजधानी इसकी टूनिस है वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं कैस सईद मुद्रा चलती है ट्यूनिशियाई दिनार न्यूज फटाफट में अगली जानकारी 28 जुलाई को हम एक और डे मनाते हैं वो है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे वेरी इंपॉर्टेंट डे हर साल अट्ठाईस जुलाई को दुनिया भर के विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है विश्व संरक्षण डे हर साल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है पृथ्वी हमें सीमित मात्रा में चीजों की आपूर्ति करती है जिन पर हम पूरी तरह से निर्भर हैं जैसे पानी हवा मिट्टी और पेड़ पौधे और इनका प्रयोग हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ करना चाहिए तो अट्ठाइस जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एंड द नेक्स्ट डे इज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे अब बारी है उन्तीस जुलाई की वन लाइनर की चिंता मत करिएगा अट्ठाईस जुलाई का भी पूरा इसी तरीके से चलेगा तो आज थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन परेशान मत होगा तो किसे अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है वो है वाइस एडमिरल एम पे हम्पी होली सरकार ने नौकरी की तलाश करने के लिए किस सरकार ने नौकरी की तलाश करने के लिए रोजगार बाजार नाम का पोर्टल शुरू किया है तो वह है दिल्ली सरकार और द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड किसकी पुस्तक है एस जयशंकर की भारत सरकार ने किस देश के को दस ब्रॉडगेट डीजल इंजन सौंपे हैं तो बांग्लादेश को और भारतीय रेलवे किस में किस प्रदेश में दुनिया की पहली इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है तो वो है हरियाणा जो हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम को आपस में कनेक्ट करेंग करेगी क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है विरलवी आचार्य और डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी हाल ही में लॉन्च किया मौसम नाम का ऐप जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और हिचे मचीची को ट्यूनिशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है जबकि 28 जुलाई को हम एक और डे मनाते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे अब बारी है २९ जुलाई के क्विज की तो किसे हाल ही में भारतीय नौसेना में अकेडमी में कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है तो उनका नाम है एम ए होली ऐसा लग रहा है है, हैप्पी होली सरकार ने नौकरी की तलाश करने वाले नौकरी देने वाले रोजगार के लिए रोजगार बाजार नाम का पोर्टल शुरू किया है दिल्ली सरकार ने किसकी पुस्तक द इंडिया वे फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड में तीन बड़ी गलतियों पर उन्होंने टिप्पणी की है तो वो है एस जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के विदेश मंत्री भारत सरकार ने किस देश को दस ब्रॉडगेट डीजल इंजन सौंपे हैं बांग्लादेश को भारतीय रेलवे किस केंद्रशासित में दुनिया किस केंद्रशासित प्रदेश में दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है तो वह हरियाणा में क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है आचार्य कैसे याद नहीं होगा तीन तीन बार करते हैं मुझे तो हमेशा याद हो जाता है मौसम नाम का मोबाइल लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने ताकि मौसम की जानकारी दी जा सके और हर साल विश्व हेपिटाइटिस डे कब मनाते हैं अट्ठाईस जुलाई को ट्यून का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है तो थोड़ा थोड़ा याद रहेगा मछीची तो याद ही रहेगा हिचे मछीची को और हर साल दुनिया भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है अट्ठाईस जुलाई को अब बारी है आज के हमारे 28 जुलाई के जो करंट अफेयर आपके छूट गए थे उसको कवर करने के अभी हाल ही में आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है और इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के जो खुलासे हैं उसका इक्कीसवां अंक जारी किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक हर छह महीना में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है और इस रिपोर्ट में भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का मूल्यांकन किया जाता है यानी कि भारत जिन स्ट्रैटेजी के साथ जिन प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है अपने इकोनॉमिकल वे में वो ठीक है या नहीं इस हिसाब से देखा जाए तो आरबीआई ने आशंका जताई है कि बैंकों का गैर निष्पादित परिसंप यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेस्ट यानी कि जो लोन उन्होंने बांटे हैं उसके घाटे में जाने का जो प्रतिशत है वो बढ़कर बारह दशमलव पांच फीसदी हो सकता है और मार्च 2020 में ये आठ दशमलव पांच फीसदी था तो 2021 तक ये बारह दशमलव पांच बढ़ जाएगा जो कि अच्छी बात नहीं है वित्तीय संस्थाओं कोविड 19 महामारी और उसके बाद के दौर के दौर जोखिम से दूरी से दूरी बचना चाहिए यानी जितना हो, सकना, हो सके उन्हें उन जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर कम से कम जोखिम हो और इस तरीके से आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट जारी की अगली जानकारी है पहला कंटेनर सर्विस बांग्लादेश को रवाना हुआ कंटेनर का मतलब यह हुआ कि पहली बार भारत ने बेनापोल तक कंटेनर ट्रेन भेजी है जिसके जरिए पार्सल भेजा गया है तो भारत से बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा चौबीस जुलाई को अब यह रेगुलर शुरू हो गई है इससे आंध्र प्रदेश से काफी सादा माल जो मिर्ची वगैरह होती थी वो काफी ज्यादा ज्यादा जाती है बांग्लादेश की ओर तो ऐसे में पहले से वायर रोड रूट जाना पड़ता था लेकिन रोड रूट जाने में पैसा बहुत खर्च हो जाता था ट्रेन के जरिए जाने में पैसा बहुत बचने वाला है तो यह 50 कंटेनरों के साथ यह ट्रेन 26 जुलाई को बांग्लादेश के बेनापोल स्टेशन पर पहुंच गई कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बांग्लादेश कंटेनर कंपनी लिमिटेड के बीच 2017 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद कंटेनर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है इससे जुड़ी हुई एक न्यूज के बारे में आपको बताता हूं रेलवे ने अभी हाल ही में एक उपलब्धि और हासिल की थी कि पहली बार विदेश भेजी स्पेशल पार्सल ट्रेन आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेड्डी पेलम से सूखी मिर्च लेकर एक स्पेशल पार्सल ट्रेन बांग्लादेश के पेनीपोल भेजा गया स्पेशल पार्सल ट्रेन प्रति टन मिर्च भेजने का खर्च छियालीस है जो की रोड ट्रांसपोर्ट की तुलना में काफी ज्यादा सस्ता रहा आंध्र प्रदेश के गुंटूर से मिर्च बांग्लादेश की बेनीपोल भेजी गई थी बेनीपोल से ही हम कनेक्ट हो पाए हैं ये बात ध्यान रखेगा ट्रेन के जरिए और अगर आप देखेंगे तो ये कलकत्ता का मजेर हाट टर्मिनल से बेनीपोल तक कनेक्शन है तो अगर इधर से हम देखें तो कलकत्ता से कनेक्शन है उधर बेनीपोल तक है इसे स्पेशल इस पासर ट्रेन से प्रति टन मिर्च छियालीस सौ का खर्च आ रहा है जबकि इसके अलावा अगर उसे रोड रूट भेजा जाता तो सात हजार का खर्च आता इसके अलावा एक और न्यूज हमने अभी पढ़ी थी थोड़े दिन पहले ही बांग्लादेश में चट्टोग्राम नाम का एक पोर्ट बनाया जा रहा है एक बंदरगाह बनाया जा रहा है जिसके जरिए भारत से मोंगला और चट्टोग्राम दो बंदरगाह जो हो जाएंगे वो बांग्लादेश में उपलब्ध हो जाएंगे और ये जो चिकन नेक के जरिए हम ऊपर से जाते हैं ना मतलब सिक्किम के बगल वाले रास्ते से तो ये रूट काफी लंबा पड़ता है ये लगभग सोलह सौ तो पचास किलोमीटर का पड़ता है अगर हम इधर से जाएंगे तो ये छे सौ पचास किलोमीटर एक हजार किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है इसके जरिए भारत जो है इन यूज का इन पोर्ट्स का यूज इन बंदरगाह का यूज त्रिपुरा असम और मेघालय के जो भी आपके मेन रूट हैं उन तक जाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है बंदरगाह का नाम जरूर याद रखिएगा बांग्लादेश बांग्लादेश से दो कनेक्शन है हमारे पास और मोगला के बारे में आपको सभी को पता है प्रधानमंत्री शेख हसीना राष्ट्रपति अब्दुल हमीद और अ, मुद्रा चलती है टका और और क्या हो गया हाँ राजधानी हो गई ढाका अगली जानकारी की तरफ चले तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं क्या होता है करेंसी स्वैप पहले तो न्यूज पढ़ लेते हैं फिर में आपको हूं कि स्वैप क्या होता है कि मुद्रा विनिमय समझौता नवंबर 2022 तक ही मान्य होगा श्रीलंका द्वारा यह समझौता मुख्य तौर पर कोविड 19 के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट के पश्चात अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय तरलता संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ता करने के लिए किया जा रहा है अब आपको हो सकता है ये ऊपर से चला गया हो बाउंस कर गया हो लेकिन मैं बड़े आराम से आपको ये समझा सकता हूं कैसे देखिए मान लीजिए भारत है और ये आपका श्रीलंका है बी फॉर भारत एस फॉर श्रीलंका हम दोनों अभी तक जिसमें व्यापार कर रहे थे व्यापार करते थे हम डॉलर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो भी होते हैं वो अक्सर हमेशा डॉलर में ही होते हैं यानी भारत को अगर श्रीलंका से कोई सामान मंगाना होता था तो इसे डॉलर देने पड़ते थे और श्रीलंका को भारत से कोई सामान मंगाना पड़ता था तो उसे डॉलर लेने पड़ते थे अब भारत और श्रीलंका के बीच के अगर व्यापार की बात की जाए तो भारत श्रीलंका भेजता ज्यादा है मंगाता कम है तो इस समझौते की सबसे ज्यादा जरूरत श्रीलंका को थी लेकिन इससे भारत को भी फायदा होगा कि श्रीलंका से अगर हम कोई भी व्यापार करेंगे तो मुद्रा विनिमय के केस में भारत रुपये में खरीदारी कर पाएगा और श्रीलंका की जो भी मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया जो है वो श्रीलंका ही अपने रुपया में ये व्यापार कर पाएगा तो इससे क्या होगा कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो हमारे पास बचा रहेगा जिस देश के पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार होता है उस देश की मुद्रा अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उतनी ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है अगर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होने लगेगा तो रुपए की वैल्यू गिरने लगेगी तो इस तरह से कम से कम ज्यादा से ज्यादा देशों के बीच में मुद्रा विनिमय समझौता होना चाहिए लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है मान लीजिए आप किसी ऐसी कंट्री के साथ व्यापार करने लगे जिसके जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले बहुत ही कमजोर है तो अगर आप ऐसे में व्यापार करोगे तो आपको निश्चित रूप से घाटा होने लगेगा थोड़ा सा इसके बारे में जरूर पढ़िएगा लेकिन मैं आपको एक मेन बात बता देता हूं कि डॉलर में व्यापार ना करके आपस की मुद्रा में व्यापार करना ही मुद्रा विनिमय होता है ऐसे में डॉलर की जरूरत नहीं पड़ती और मुद्रा विनिमय पर जो खर्च आता है वो भी बच जाता है और इस तरीके से जो आपकी करेंसी है मान लीजिए आपका जो रुपया है वो गिरने लगा तो इस आपके और श्रीलंका के व्यापार में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि आपका रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले लेकिन आप तो अभी भी श्रीलंका के साथ रुपए के मुकाबले ही व्यापार कर रहे हो तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या फर्क पड़ रहा है आपके व्यापार पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है और इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपकी बढ़ती जाती है और धीरे धीरे जो आपको लॉस है वो कम होने लगता है तो सामान्य शब्दों में मुद्रा विनिमय एक प्रकार का विदेशी विनिमय समझौता होता है जो दो पक्षों के बीच एक मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा प्राप्त करने हेतु निश्चित समय के लिए किया जाता है मुद्रा विनिमय का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार और विनमय दर में स्थिरता और अन्य जोखिमों से बचना होता है सामान्यतः किसी देश का केंद्रीय बैंक वहां की सरकार देश में विदेशी मुद्रा की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के लिए विदेशी समकक्षों के साथ मुद्रा विनिमय समझौते के साथ संलग्न होते हैं और ऐसे में कुछ व्यापार हम डॉलर के जरिए भी करते रहते हैं और कुछ डॉलर वहां कुछ व्यापार हम वहां के देश के जरिए भी करते रहते हैं अगर आपको याद हो तो मार्च दो में भारत ने पिछहत्तर अरब डॉलर का जो समझौता किया था वो जापान के साथ किया था मुद्रा विनिमय का और इस तरह से ये करेंसी स्वैप जो होता है होता रहता है सार्क देशों के साथ भी अगर देखें तो हमारे जितने भी सार्क कंट्री हैं उन सभी के साथ हमारा मुद्रा विनिमय समझौता है और कहीं ना कहीं हम थोड़ा व्यापार डॉलर में करते हैं और कहीं ना कहीं हम थोड़ा व्यापार उनकी लोकल मुद्रा के साथ भी करते हैं तो यहां पे ये न्यूज श्रीलंका से थी श्रीलंका के बारे में बात करते हैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और एक और राजधानी है श्री जयवर्धन कोट्टेपुरा श्रीलंका को 4 फरवरी उन्नीस को वैसे तो 1947 में इसको समझौता मिल गई थी लेकिन ये डोमिनियन राज्य रहा ब्रिटिश का 1972 में फिर इसका नाम पड़ा सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था बाद में इसका नाम लंका पड़ा और बाद में इसको सम्मान दिया गया फिर इसका नाम श्रीलंका हो गया नेशनल एनिमल की बात करें तो वैसे तो श्रीलंका का को को कोई भी नेशनल एनिमल ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है लेकिन वहां के लोग अलग अलग जाति के लोग अलग अलग लोग जैसे एलिफेंट लायन और ग्रैंड गलैहरी यानी कि बड़ी वाली ग्लैरी को अपना राजकीय पशु मानते हैं नेशनल बर्ड की बात करें तो सिलोन जंगल फाउल नेशनल फ्रूट जैक फ्रूट जिसे आप कटहल भी कह सकते हो आयरन वुड के पेड़ जो है वहां के नेशनल ट्री हैं वैशाख पोया एंड पोषण ये दो फेस्टिवल हैं जो सिंगली और तमिल लोगों द्वारा मनाए जाते हैं प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे प्रेसिडेंट गौताबाया राजपक्षे यानी राष्ट्रपति पार्लियामेंट वहां पर डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक के नाम से जानी जाती है और इस टाइम वर्तमान समय में दो सदस्य वहां पर है नेशनल लैंग्वेज सिंगली और तमिल वहां पर बोली जाती है नौ प्रोविंस यानी श्रीलंका में आपको नौ राज्य देखने को मिलेंगे करेंसी जो है वहां पर श्रीलंकन रुपया चलती है अगली जानकारी तब चले हरियाणा 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का मेजबानी करेगा तीसरा संस्करण अभी हमें असम के गुवाहाटी में देखने को मिला था तीसरा संस्करण हमें असम के गुवाहाटी में देखने को मिला था क्योंकि हरियाणा ने जो खेलो इंडिया यूथ गेम के तीनों संस्करण में अच्छा प्रदर्शन किया है वे 2019, 2020 दोनों संस्करणों में 2020 में 200 पदक लिए थे 2019 में एक पदक पे दूसरे स्थान पर रहे हैं जबकि हरियाणा ने 2018 में 102 पोडियम फिनिश अड़तीस स्वर्ण छत्तीस रजत कांस्य इसका विजेता रहा था तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहां आयोजित होगा हरियाणा में हरियाणा से दो न्यूज हो गई है विश्व की पहली इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल हरियाणा में बन रही है और अब हरियाणा करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथे संस्करण का मेजबानी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं यह है आनंदीबेन पटेल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदी पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए भी नियुक्त कर दिया है यानी कि अब मध्य प्रदेश की राज्यपाल जो होंगी वो आनंदीबेन पटेल होंगी लालजी टंडन जी का अभी हाल ही में जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे इनका निधन हो गया था लखनऊ में इससे पहले अट्ठाईस जून को आनंदीबेन लालजी टंडन की छुट्टी के दौरान आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और उन्होंने इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है वो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही है तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अब साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल होंगी अगली जानकारी तो चले एक और पुस्तक मोदी सरकार की आलोचना करती हुई और इस पुस्तक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर यह पुस्तक लिखी है अरिजित पटेल भारत रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डिप्टी गवर्नर भी रहे और गवर्नर भी रहे भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर अरजीत पटेल ने अपनी नई किताब ओवर सेवर in में दिवालिया और शोधन अक्षमता आईबीसी और बैड लोन के मामले में केंद्रीय बैंक की शक्तियों को कम करने के लिए वर्तमान सरकार की आलोचना की है बैंक और इंसॉल्वेंसी डिसेबिलिटी कोड में अभी काफी सारे बदलाव किए गए हैं उसमें आरबीआई की शक्तियों को काफी कम किया गया है और अब यह डिसीजन बैंक रेप्सी और जो भी है अक्षमता कोड यानी कि इंसॉल्वेंसी डिसेबिलिटी कोड है जिसमें रिजर्व बैंक के जो क्षमता है जो भूमिका है वो थोड़ी सी कम हो गई है अरजीत पटेल ने अपनी किताब में आरबीआई के सात जून दो के सर्कुलर की भी आलोचना की वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करने के लिए संबंधित कई विषयों पर आरबीआई की वास्तविक शक्तियों को कम कर दिया गया है पूर्व आरबीआई गवर्नर के अनुसार सरकार की अनेक योजनाएं अस्पष्ट सूचनाओं पर सूचना आधारित है और सरकार स्वामित्व जो भी है सरकारी स्वामित्व के जो भी बैंक हैं उनका प्रयोग जहां मुख्य रूप से बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच एक कुशल मध्यस्थता के बीच किया जाना चाहिए यानी कि बैंक का, का काम क्या होता है जो सेविंग करते हैं उनसे पैसा लीजिए जिनको पैसे की जरूरत है और जो बिजनेस करते हैं उनको पैसा दीजिए जहां बैंक का काम ये होना चाहिए वहां बैंक को लगा दिया गया है व्यापक आर्थिक प्रबंधन के लिए कि किसी तरीके से आप फंड मैनेज करिए आप देश की अर्थव्यवस्था के लिए फंड मैनेज करिए तो ये उन्होंने कहा है अरजित पटेल ने अपनी पुस्तक में पुस्तक का नाम है ओवर से इंडियन सेवर अरजित पटेल अगली जानकारी पांच राफेल फाइटर जेट आखिरकार हमारे पास आ गए हैं भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए पांच राफेल फाइटर जेट फ्रांस से सत्ताईस जुलाई 2020 को रवाना हो गए थे इन पांचों फाइटर प्लेन को सात भारतीय पायलट उड़ाकर हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर ला रहे हैं इन पांच फाइटर राफेल में तीन सिंगल सीटर हैं जबकि दो ऐसे हैं जो डबल सीटर हैं। इसलिए सात पायलट लगे उनतीस जुलाई 2020 को भारत पहुंच जाएंगे यानी कि आज पहुंच जाएंगे अम्बाला एयरबेस में पहुंचने के बाद राफेल विमानों को मिसाइल से लैस किया जाएगा इसमें मेटो और स्कैल्प हैमर मिसाइल शामिल है राफेल पहला स्क्वाड्रन अंबाला में ही स्थित होगा जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल के हासीमारा में इसको बनाया जाएगा भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल खरीदने की डील हुई थी जिसमें से अभी सिर्फ पांच विमान डिलीवरी के लिए भारत को मिले हैं राफेल पाकिस्तान के एफ सिक्सटीन और चाइना के जे ट्वेंटी से कहीं आगे है इसकी जो सबसे टॉप स्पीड है वो 2450 किलोमीटर की स्पीड है जबकि एफ सिक्सटीन की 2100, जबकि जे ट्वेंटी की आपकी चौबीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है लोड के मामले में बात करें तो राफेल इन दोनों के ही मामले में ज्यादा लोड उठा सकता है ज्यादा युद्धक सामग्री को ले जाने में सक्षम है अब बारी 28 जुलाई के की न्यूज फटाफट की सीआरपीएफ पर्सनल सेलिब्रेट एटी सेकेंड रेजिंग डे ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स एंड 27 जुलाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने 27 जुलाई को अपना बयासीवां स्थापना दिवस मनाया इस दौरान दिल्ली के बैंड की धुन पर श्रद्धा सुमन कर बलदानी को श्रद्धांजलि दी गई सत्ताईस जुलाई उन्नीस को नीमच में ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना की गई थी तत्कालीन अग्रिण शासन ने इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम दिया था आजादी के बाद देश के पहले केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेवाओं को कायम रखते हुए इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स रख दिया 28 दिसंबर को सीआरपीएफ एक्ट बनाकर इसके नामकरण की शुरुआत की गई थी सीआरपीएफ ने मनाया अपना बयासीवा रेजिंग डे अगली जानकारी छब्बीस जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं उन सैनिकों को याद करते हैं उन जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने 26 जुलाई के पूरे इक्कीस साल होने के बाद उन्नीस सौ निन्यानवे के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय और देश की सेवा के लिए प्राण निवर कर दिए थे छब्बीस जुलाई उन्नीस सौ निन्यानवे को भारत ने ऊंचे इलाकों में उन सभी चौकियों पर कमान सफलतापूर्वक हासिल कर ली थी जिन पर पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने कब्जा किया था यह दिन साठ दिन से अधिक समय तक चला था और कारगिल युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे छब्बीस जुलाई कारगिल विजय दिवस चौबीस जुलाई को हम मनाते हैं आयकर दिवस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने चौबीस जुलाई 2020 को एक आयकर दिवस मनाया आयकर दिवस से पहले के सप्ताह में देश भर के क्षेत्रीय आयकर कार्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है इसमें विभागीय प्रकाशन ई जनरल पब्लिसिटी किट आदि शामिल है चौबीस जुलाई अठारह को भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर प्रस्तुत किया गया था और उनके द्वारा ही इसको इनको ही आयकर का प्रमुख कहा जाता है आयकर का पितामा कहा जाता है चौबीस जुलाई को विश्व आयकर दिवस सॉरी नेशनल आयकर दिवस यानी कि राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अब आ रही आज की हमारी वन लाइनर की फटाफट से करते हैं भारत आयकर दिवस कब मनाता है 24 जुलाई को जेम्स विल्सन द्वारा इसको पहली बार प्रस्तुत किया गया था 24 जुलाई उन्नीस को तब से भारत के इस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है आरबीआई द्वारा और हाल ही में भारत ने पहली कंटेनर ट्रेन सेवा किसके साथ शुरू की है बांग्लादेश के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर श्रीलंका के साथ समझौता हुआ है वो है यूएसडी फोर हंड्रेड मिलियन यानी कि चार मिलियन डॉलर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे स्थान की मेजबानी कौन करेगा हरियाणा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आनंदीबेन पटेल को ओवरड्रॉफ द सेविंग इंडियन सेवर किसके द्वारा लिखी गई है अर्जित पटेल द्वारा भारत और फ्रांस के बीच में 36 विमानों की डील हुई है राफेल विमानों की डील हुई है जिसमें से पांच भारत पहुंच रहे हैं कारगिल विजय दिवस छब्बीस जुलाई को 2020 को कितने साल पूरे हो गए 21 साल और सीआरपीएफ बयासीवें स्थापना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है तो सीआरपीएफ का बयासी स्थापना दिवस सत्ताईस जुलाई को मनाया गया बारी है की भारतीय किस वित्तीय संस्थान ने अभी हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है तो वह है आरबीआई हाल ही में भारत से बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की गई कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा बिन्न में समझौते पर श्रीलंका के साथ हस्ताक्षर किए तो चार मिलियन यूएस डॉलर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा करेगा तो खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा करेगा जबकि तीसरे की कसम ने की थी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ओवर ड्रॉफ द सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आरबीआई के पूर्व गवर्नर अरजीत पटेल द्वारा और भारत और किसके बीच छत्तीस राफेल विमान के, के डील हुई थी तो भारत और फ्रांस के बीच भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है यह हर साल आपका जो आयकर दिवस है चौबीस जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है कितने साल पूरे हो गए इसके 21 साल पूरे हो गए हैं में हुआ था सीआरपीएफ अपना बयासीवां स्थापना दिवस अभी हाल ही में कब मनाया 27 जुलाई को सीआरपीएफ अपना बयासीवां स्थापना दिवस उन्नीस सौ को इसकी स्थापना हुई थी तो इसने अभी बयासीवां स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया और तो दोस्तों तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उम्मीद करते हैं करंट अफेयर आपको पसंद आए होंगे और जो कल छूट गया था वो भी आज आपका कवर हो गया है तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच बाय